नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जिला जज जब अपनी हदें भूल जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना पड़ता है। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां जिला जज ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी, जिसके बाद हाई कोर्ट को काफी तेज गुस्सा आया है और जिला जजों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन जिला जज इतने पावरफुल हैं कि एक झटके में वो राहुल गांधी की सांसदी छीन सकते हैं, अब्दुल्ला आजम, आजम खान, मोहम्मद फैजल सबकी सांसदी छीन सकते हैं, सबकी विधायकी छीन सकते हैं। इतने ताकतवर होते हैं, छोटे से छोटे मामले में बस उन्हें 2 साल की सजा सुनानी होती है। गुजरात में आपने देखा कि कैसे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले ने राहुल गांधी की सांसदी को एक झटके में खत्म कर दिया। उसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में हैं, जहां जनप्रतिनिधियों के करियर पर बट्टा लग जाता है जब जिला जज फैसले ले लेते हैं, और इस तरीके के फैसले लेने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट का भी ख्याल नहीं रखते। जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें नसीहत देता हुआ दिखाई पड़ता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर फैसला लेने से पहले, सेंटेंस लिखने के पहले जरा सोचिएगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि जिला जज अभी भी जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं उस पर हमेशा से सवाल उठता रहा है, लेकिन इस बीच खबर क्या है, हाई कोर्ट को गुस्सा क्यों आया है? दरअसल जिला जज अपने ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन में बहुत खेल करते हैं और फिर पैरवी, चापलूसी इस कदर करने लगे हैं जिसके बाद हाई कोर्ट काफी भड़क उठा है। गुजरात में हाल ही में एक प्रमोशन का मामला बहुत तूल पकड़ा था, जिसमें राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज भी हसमुख भाई वर्मा भी थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रमोशन पर रोक लगाई, लेकिन हसमुख भाई वर्मा अपने मेरिट के आधार पर आगे निकल गए, उनका प्रमोशन हो गया, राजकोट में वो अब अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन जिन जजों ने यह सब खेल किया था उन सब पर तो ग्रहण लग ही गया। चलिए लौटते हैं मूल खबर पर। हमने आपको इसलिए याद दिला दी हैं चीजें ताकि जिला जज किस तरीके से निर्णय लेते हैं और कैसे प्रमोशन के लिए खेल करते करवाते हैं वो सब स्पष्ट हो जाए। अब हुआ यूं है कि जिला जजों ने चापलूसी की सारी हदें पार कर दी, गुस्सा मद्रास हाईकोर्ट को आया है। इस खबर को हमने इस वजह से कनेक्ट भी किया ताकि आपको पता चले कि देश भर में जितने भी निचली अदालतें हैं वहां जो बैठे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या फिर जिला जज हैं वो सब कहीं ना कहीं बहुत बड़े खेल में शुमार हो जाते हैं, जिसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन का जब मामला आता है तब सब मर्यादा जो है वो एक तरफ चली जाती है और फिर उन्हें ख्याल होता है कि काश हमारा प्रमोशन हो जाए। अब इसमें कहा जाता है कि गिफ्ट मिलता है, अगर बड़े फैसले सुनाते हैं तो बहुत जल्दी गिफ्ट मिलता है, लेकिन यहां मद्रास हाईकोर्ट ने इन सारे जजों की हेकड़ी निकाल दी है। अपने स्क्रीन पर आप देखिए, जनसत्ता ने एक हेडलाइन छापा है कि जिला जजों की चापलूसी से आज जाया मद्रास हाईकोर्ट, सर्कुलर जारी करके सूबे के जुडिशियल अफसरों के लिए खींची लक्ष्मण रेखा। अब यह रेखा खींच दी गई है कि इसे लांघने की कोशिश ना करें क्योंकि आप लोग अपनी हदें भूल रहे हैं, ये प्रमोशन की चापलूसी नहीं चलेगी। जब न्याय व्यवस्था में, जुडिशियरी में अगर चापलूसी जैसी चीजें आ जाएंगी तो तमाम महकमों का क्या हाल होगा? इंसाफ जहां चाहिए वहां चापलूसी चल रही है भाई, तो कैसे काम चलेगा? खबर में देखते हैं हुआ क्या है। जनसत्ता ने अपने खबर में लिखा है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें तमिलनाडु और पांडिचेरी के जुडिशियल अफसरों की लगाम कसी गई है। दरअसल हाईकोर्ट के जस्टिस इस चीज से आजुज थे कि लोअर व जिला कोर्ट के जज अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस को परेशान करने से बाज नहीं आते, वो जस्टिस के घर जाकर चापलूसी की तमाम हदें भी पार कर देते हैं। कुछ जस्टिस ये मसला लेकर चीफ जस्टिस के पास गए तो उनके निर्देश पर सर्कुलर जारी करके जिला जजों के लिए तमाम हिदायतें जारी कर दी गई हैं। अब इन लोगों पर रोक लगा है कि ये जो गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं ना कि जज साहब हमें प्रमोशन दे दीजिए, ये नहीं चलेगा। और ये देश भर में जितनी भी निचली अदालतें हैं, जो जिला जज हैं वो ध्यान से जान लें कि मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला किसी भी वक्त, किसी भी राज्य में, किसी भी हाईकोर्ट से
आ सकता है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं डीवाई चंद्रचूड़, वो बहुत मॉनिटर करते हैं। अगर कोई इस तरीके के हरकतों में संलिप्त है तो फिर वो किसी को बख्शते नहीं है। यहां तो सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी आती है, और डीवाई चंद्रचूड़ ने कई दफे किस्से सुनाए हैं चापलूसी करने वालों के। तो जिला जजों को अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर कोई बड़े फैसले के एवज में गिफ्ट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो सावधान रहिए। जरा देखिए कि मद्रास हाईकोर्ट ने सर्कुलर में क्या कहा है, देखिए अपने स्क्रीन पर। सर्कुलर के मुताबिक जिला जज किसी भी हाईकोर्ट के जस्टिस के घर नहीं जाएंगे, वो ना तो उन्हें शॉल अप ना ही कोई मोमेंटोज पेश कर पाएंगे। किसी तरह का गिफ्ट लेकर भी वो हाईकोर्ट के जस्टिस के पास नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट जिला जजों की चापलूसी से किस कदर आजिज है, इसका पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जजों को खास हिदायत दी गई है कि किसी जस्टिस को संबोधित करके वो कोई पत्र भी नहीं लिखेंगे। अगर उनकी कोई परेशानी है तो वो हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को लिखे, रजिस्ट्री चीफ जस्टिस के पास तक उनकी परेशानी को पहुंचाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है उन तमाम जिला जजों को जो कहीं ना कहीं सरकार के प्रभाव में आकर एक झटके में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका बहुत व्यापक असर पड़ता है। और जिन जिन राज्यों में जहां की सरकार होती है, उन सरकार यानी कानून विभाग की अगर बात करें, फिर ये जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की बात करें, इन सबके बीच ऐसा सामंजस्य होता है कि सरकार के खिलाफ फैसले आने ही मुश्किल होते हैं, और जो सरकार के विरोध में है उनके लिए तो फैसले हाजिर होते हैं। गुजरात में जैसे राहुल गांधी का मसला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप आजम खान अब्दुल्ला आजम का मामला ले सकते हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद फैजल का मामला भी काफी चर्चा में रहा था, जिसमें सांसद ही उनकी बहाल करने के लिए हाईकोर्ट का शरण लेना पड़ा था और हाईकोर्ट का फैसला आया तब भी उनकी सांसद ही बहाल नहीं की जा रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो स्पीकर साहब हरकत में आए और सांसद ही उनकी बहाल की गई काफी मशक्कत के बाद। खैर, इस खबर ने इन सबको यह मैसेज दे दिया है कि जिला जज अगर अपनी हदें भूलेंगे तो उन्हें उनकी लक्ष्मण रेखा याद दिलाने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा होगा, क्योंकि न्याय व्यवस्था अगर नहीं सुधरेगी, अगर फैसले नहीं लगेंगे तो फिर समाज को क्या मैसेज जाएगा। इस देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि विधायिका में ऐसे ऐसे विधायक बैठे होते हैं जिनके पास शक्ति बहुत है लेकिन खुद दागी होते हैं। कार्यपालिका में आपको सिस्टम, प्रशासन भ्रष्ट नजर आता है। अब जुडिशरी यानी न्यायपालिका, न्यायपालिका में भी अगर यह सब होगा तो किससे आप क्या उम्मीद करेंगे। देखते हैं इस खबर में ये और क्या कहा गया है। इन लोगों के लिए बहुत लक्ष्मण रेखा खींची गई। कोर्ट परिसर के बाहर जजों के काला कोट और काली टाई पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई है। अगर इन लोगों पर नकेल इस तरीके से कसी जाएगी तो निश्चित तौर पर ये लोग अपने इन हरकतों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यहां पर पैरवी, पैगाम, प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग के लिए इतना कुछ करना उचित नहीं लगता है। हाईकोर्ट ने जिला जजों को हिदायत देते हुए कहा कि वो कोर्ट परिसर के बाहर काला कोट और काली टाई पहनने से गुरेज करें। वो कोई भी ऐसी पोशाक ना पहने जो कोर्ट की ड्रेस जैसी दिखती हो। हाईकोर्ट के जस्टिस की किसी जिले में विजिट को लेकर भी हिदायतें जारी की गई हैं। इनमें कहा गया कि कोई जस्टिस अगर कहीं की विजिट करता है तो जज उसकी अगवानी के लिए सड़क पर खड़े ना दिखे। ये जो चापलूसी की जो सीमा होती है ना, उस सीमा को ही खत्म किया जा रहा है कि जिला के जज खड़े हो जाते हैं, हाईकोर्ट के जज साहब आ रहे हैं और स्वागत में खड़े हैं, जज साहब की नजर पड़ेगी, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वे अपने में से किसी एक जिम्मेदार अफसर को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं, यहां पर कह दिया गया है। बाकी और भी नियम कायदे इन लोगों के लिए सेट किए गए हैं। अगर कोई जस्टिस साहब पर्सनल विजिट के लिए भी जाते हैं, उनको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि प्रोटोकॉल के तहत जिस अफसर की ड्यूटी लगाई गई है केवल वही होंगे, ना कि कोई जिला जज आगे जाकर जी हुजूरी में खड़ा हो जाएगा। ये तमाम निर्देश यहां पर दे दिया गया है कि कोई भी जुडिशियल व्यक्ति पर्सनल विजिट पर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जिला जजों पर लगाम लगाने की जरूरत थी, इसकी
शुरुआत हो गई है। अगर इस तरीके के फैसले देश भर में हो जाएं तो जिला की जो अदालतें हैं, लोअर कोर्ट जिन्हें कह सकते हैं आप, निचली अदालतें दुरुस्त हो जाएंगी। अगर वहां से फैसला सटीक आने लगा, बिना किसी के प्रभाव में आने लगा, तो सारी स्थिति पटरी पर आ जाएगी, न्याय व्यवस्था एकदम से सही दिशा में दिखाई पड़ेगी। लेकिन विडंबना है कि सरकारें शायद ऐसा होने नहीं देना चाहती। अब देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अगर व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत बेहतर कदम साबित होगा और जिला जजों की चापलूसी, मनमानी और इस तरीके से बटरिंग करने का काम सब खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।